अंगूर से क्या। और एक बात और तुम्हें बता दें, सीमा कैसेट में जो हमारे और कह रहा हूं, अरे तू कुछ काम नहीं करती तो तू देवी मैया पे ही चले और ना कसू तो सो का कह रही, देवी मैया पे मैं नहीं जाऊंगी। क्या बोली के भवन पर मैं ना, ए भवन पे ना जाऊंगी हो, भवन पे ना जाऊंगी हो, है जाएगा जब बोला बुरिया भवन में ना जाऊंगी हो, है जाएगा जब बोला बुरिया भवन में ना जाऊंगी हो, है जाएगा जब बोला बुरिया। भवन चढ़ाता मेरा मुरबा मुरकी जाए, करिहाल चकी जाए, पायल बोले रे बोले हरी भवन पे ना जाऊंगी हो, है जाएगा जब बोला दुनिया भवन पे ना जाऊंगी हो, है जाएगा जब बोला दुनिया भवन पे ना जाऊंगी हो, है जाएगा जब बोला दुनिया। कथा छोड़ी जैसे ही अनुरोध को लेकर के उषा ने और वक्षी में गिराए दो ऊपर से सिला सरका दी, तुम आराम से जाम बैठे हो तुम्हें कछु ना करना। आओ फौजें देखते फिर रहे, अब फौज देखते देखते वहां पहुंची जहां द्वार पर उषा खड़ी थी, वक्षी की द्वार से उषा खड़ी था, कहने लगे हैं फौज ए लड़की हट जवाब दो। अरे जाते माते हाथ मेरा जाए तो का भाई
एकदम से फौज और बक्सी के द्वार पर जा गए। सो ऊषा का हाथ पकड़ के हुआ, कहने लगी जा मैं नहीं घुसने दूंगी, मर जाऊंगी या मार दूंगी। राजा का हुक्म, भुजा पकड़ के लड़की को उधर फेंक दिया। अब वहां खड़े बक्सी के द्वार में एक कहने लगो, तू चलो जवान की भैया, वहां तो जाता ना। दूसरे से कही तुम चले जाओ, उसने कही हम जाते। वो कहने लगो, बेटा टॉर्च फोर चले जाइयो, नहीं होगा तो काट सुन दे भैया। जो अंदर गए क्या देखा, लाला कुंवासी से लाशो निकाले, अरे खेचत लावे के मारत ला। जिसका कोई नहीं होता उसका परमात्मा होता है। नारद जी आज नारायण हरि बोलते हुए और सोरतपुर में आ गए और पूछा, भैया ये भीड़ भाड़ क्यों इकट्ठे हो रही, जवाब दो। कुछ लोगों ने, नगर निवासियों ने, बाबा एक बेचारा कोई 12 पुत्र है और उस बेचारे को खम्मा से बांध करके और 12 पिटाई कर रहा है। क्यों पता नहीं महाराज, तुम ही जाके पूछ लो। नारद जी आगे बढ़े और जाके क्या बोले बाणासुर से, ए बाणासुर के जे बाली उमर का कुमार, बाली उमर का कुमार भूख जाए मत मारा, बाली उमर का कुमार भूख जाए मत पीना है क्या, नहीं। खाना खाना है, नहीं। लंबे पल लो यहां से। नारद ने जवाब दो, एक छोटे से बालक नादान बच्चा को मारने में और तुम जैसे बलवान को शर्म नहीं आती। क्या बोले नारद, बचन आज नारद ने भागो, मेरा खो सवर
लो। बाणासुर ने जवाब दो, ए नारद मैं तुम पे न्याय नहीं करवा रहा, चलो यहां से लंबे पल लो। है हम तो जा ही रहे, लेकिन नारद जी धीरे धीरे अनिरुद्ध की तरफ मुड़ गए, जहां खम्मा से अनिरुद्ध बंधो। अनिरुद्ध पूछी कहे बेटा क्या बोले के नारद मुनि पूछन लगे बेटा कहा पारे तेरा देखी ना। ये बता देते हो कहना है कौन पिता को माता है बेटा कौन सो तेरो देखेगा मुझे। नारद जी ने पूछा बेटा त्यो कहा नाव है त्यो कौन सो गांव है।